समर बार बार ना मेरा ही सिक्स आ रहा है, मैं ही जीतने वाली हूँ, इस बार तुम हारने वाले हो। नहीं रोहित दीदी, आप हारने वाले हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। दूसरी गेम खेलेंगे, ठीक है? क्या खेलेंगे? हाइड एंड सीक। इसमें तो तुम पक्का हार जाओगे, ये गेम मुझे खेलनी नहीं, तुम चीटिंग कर रहे थे। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, आ जाओ। सुन शाइना और समर को फिट हो जाएंगे ना कपड़े? हाँ हाँ वैसे तो फिट हो ही जाएंगे, बट डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो ऑल्ट्रेशन कर देंगे। हाँ 50 तक गिनो और मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे तो मैं छुपने जा रही हूँ, ठीक है? अरे करण, करण हम लोग ना हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या हुआ? मैं ये सोच रहा था कि हमारे बच्चे कितने लकी होने वाले हैं। आई मीन उनकी मॉम मल्टी टैलेंटेड है, बिजनेस करना भी जानती है, बच्चों के साथ खेलना भी जानती है। हमारे ना दो नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे ना तीन बच्चे होंगे और हर वीकेंड ना हम हमारे फार्म हाउस पे जाया करेंगे। वहां मैं एक बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट बनाऊंगा, स्विमिंग पूल बनाऊंगा, वहां बच्चों के साथ खेलेंगे और मैं उन्हें ना खुद ट्रेन करूंगा कि तुम्हें कैसे परेशान करें, तुम उनके पीछे भागती। स्टॉप इट, स्टॉप इट करण। क्यों, क्या हुआ? ओह नाउ आई गेट इट, तुम्हें तीन नहीं पांच चाहिए ना। डन, हम पांच बच्चे करेंगे। करण तुम समझ नहीं रहे हो, प्लीज मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रोहित? क्योंकि मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं करण। मैंने जब जब प्यार किया है मुझे धोखा ही मिला है। मैं प्यार में कभी कामयाब नहीं रह पाई हूँ। मैंने जिससे भी प्यार किया है वो हर बार मुझे धोखा देके चला गया है, मुझसे दूर हो गया। इसीलिए अब मैं कोशिश ही नहीं करना चाहती, मेरे में हिम्मत ही नहीं बची है करण। रोहित, आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ा है। आई वॉज एन इडियट, मुझे पता ही नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब मेरे समझ में आया ना तो दिल से सिर्फ एक ही नाम निकला, वो था तुम्हारा। आई प्रॉमिस मैं जिंदगी भर तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगा, इनफैक्ट इससे ज्यादा करूंगा। तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, तुम्हारी लाइफ का हर मोमेंट इतना ब्यूटीफुल, इतना प्रेशियस बना दूंगा। आई प्रॉमिस यू। सिम्मी, क्या? आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद करण। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि वो रूही की लाइफ में लौट कर आ गया है। कितना प्यार करता है वो रूही से। आई थिंक ही इज रियली चेंज्ड, नहीं? यार आई जस्ट प्रे कि माता रानी इन दोनों की रक्षा करें और इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। सिम्मी पता नहीं मुझे ऐसा फील होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ना करण को लेके वो 1% डाउट है मन में। एक्चुअली और कोई बात नहीं है, I'm just scared. मैं नहीं चाहती कि हमारी रूही का फिर से दिल टूटे। आई जस्ट होप कि वो रूही से जेन्युइनली प्यार करता हो। यू नो वी हैव टू बी श्योर ना? यार सच बताऊ ना तो मैनू भी यही लगता है। हम एक काम करते हैं ना, हम टेस्ट लेते हैं। हाँ मेरी बात समझ। और करण ही क्यों, हम करण और युग दोनों का टेस्ट लेते हैं। हमारे घर की बेटियां जा रही हैं, हक बनता है हमारा। लेकिन युग, हाँ अब युग बोलता है ना कि वो आलिया से बहुत प्यार करता है, ये वो, तो यही सही टाइम है ना उसका प्यार कितना गहरा है ये देखने के लिए। और वैसे भी देख, अगर इन दोनों ने प्रूव कर दिया कि हमारी आलिया और रूही को बहुत प्यार करते हैं तो हमारी लड़कियां उनकी क्या बोलती है। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। तो एक काम करते हैं, एक बार पूजा खत्म हो जाए उसके बाद लेते हैं इन लोगों की प्रेम की परीक्षा और फिर देखते हैं कौन होता है पास और कौन होता है फेल। या रुई दीदी मैंने आपको पकड़ लिया, आप तो चुपे ही नहीं। अरे वाह समर, तुमने तो रुई दीदी को पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया है ना तो इन्हें छोड़ना मत।
चलें। रमन, आप पूजा में कौन सा कुर्ता पहनने वाली हो? अरे कोई भी निकाल दे यार, थक गया हूँ मैं यार, but I'm relieved, आखिर सब कुछ खत्म हो गया and we can all get back to our normal lives, seriously. ये पहनोगे क्या? Actually मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली साड़ी पहनूँ, तो आप ये वाला पहन लो, almost same colors हैं, हम लोग twinning करेंगे। Twinning? वो क्या होता है? Social media पे जब दो लोग एक ही type के color पहनते हैं, उसे twinning कहते हैं, new trend. तो ये social media ने सबको ना पागल कर दिया यार। अरे अरे भाई बहन नहीं है हम लोग, सेम सेम कपड़े पहनेंगे, पागल हो गई क्या? ये पहन रही हूँ मैं, आप ये नहीं पहनोगे? एक मिनट, दिस, ये दो वाइट्स हैं। हाँ ये प्रिंटेड वाला ठीक है। फाइनल? ओके, अब प्लीज थोड़ा मुस्कुराओ। ऑफ कोर्स उसके तू है ना, तुझे जब जब देखता हूँ मुस्कुराहट आई जाती। हुआ क्या है? आराम से आलिया, आलिया ये मुझे ताता ने दिए पूजा में पहनने के लिए। तो? अरे मुझे आता ही नहीं है पहनना यार, उन्होंने दिया तो मैं मना नहीं कर पाया, मना करता तो बुरा लगता ना। तू तुम्हें आता है बांधना? हंस रही हो तुम, मैं बाहर बताता तब भी सब मजाक उड़ाते तुम। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, टेस्ट रियली स्वीट एंड हाँ मुझे आता है, मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। एक मिनट, दो मिनट का काम है, इट्स वेरी इजी। इसे टक कर लो। क्या हुआ, क्या देख रही हो? इसे टक करो ना। इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? आलिया रेडी हुई कि नहीं? चलो रंगोली बनानी है। हाँ आ रही हूँ। अरे बुला रहे, रंगोली बनानी है ना? अरे तू क्या हो गया, छोड़ो। पागल हो गया तुम? अरे आलिया प्लीज, लुंगी ढीली है, खुल जाएगी। मिसेस आलिया योग शर्मा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।